इंदौर के अन्नपूर्णा थाना इलाके की पाशुनाथ कॉलोनी में प्रॉपर्टी व्यवसाय के सूने घर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से दूर है। पाशुनाथ कॉलोनी में रहने वाले प्रवीण द्विवेदी अपने परिवार के साथ फिलहाल उत्तर प्रदेश गए हुए थे जब ये घटना हुई। घर की देखरेख के लिए पास में ही रहने वाले रिश्तेदारों को बोल के गए थे। कल शाम रिश्तेदारों ने देखा तो मकान का ताला टूटा हुआ मिला। पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो मालूम हुआ कि बदमाश नकदी और सोने के आभूषण ले गए हैं। इसके साथ ही कुछ आभूषण घर में रखे भी छोड़ गए हैं। बहरहाल पुलिस अब आसपास के इलाकों की सीसीटीवी खंगाल रही है। वही इलाका है जहां कुछ दिन पूर्व कपड़ा व्यापारी के घर पर दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। उसके कुछ दिन बाद दिन दहाड़े चोरी पुलिस के कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े करती है। अब देखना होगा कि सूने मकान से चोरी करने वाले बदमाश कब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर रहते हैं। ये प्रवीण द्विवेदी जी ये घर से बाहर हैं, करीब 12 दिन से यूपी गए हुए हैं। इनका घर सूना था और इनकी एक परिचित है, वो जो सुबह शाम आती थी। ऐसा लगता है कि 3 और 5 के बीच में इनके घर में चोरी हुई है और उसका पता तलाश कर रहे हैं। कुछ जेवर लेके गए हैं, कुछ छोड़ भी गए हैं। कुछ जो है जेवर, वो जैसे कुछ चैन और एक दो अंगूठी बता रहे हैं। अब वो आएंगे तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी। हाँ जी, हम लोग पता कर रहे हैं। ताला वाला तोड़ के लेके? हाँ, ताला।